यशोधरा नगर पुलिस थाना अंतर्गत एक अनोखा मामला आगे आया है, जहां जेल से रिहा हुए कुख्यात ने फिरियादी को सलून में घुसकर जान से मारने की कोशिश की, जिससे स्थानीय क्षेत्र में हड़कंप मच गया। दरअसल दिनांक 8 मई को प्रातः 9 बजे मामले का फिरियादी प्रवीण ईश्वरजी रक्टाटे उम्र 32 वर्ष खैरी गांव नवीन कामठी निवासी भिलगांव यशोधरा लॉन साइड स्थित हरिहर हेयर ड्रेसर्स में कटिंग के लिए आया था। उसी बीच आरोपी शेख अल्फाज उर्फ औजाद वल्द जलील उर्फ सूरज श्यामलाल कांबड़े उम्र 25 वर्ष भिलगांव यशोधरा नगर निवासी हाथ में चाकू लेकर आया और फिरियादी की गर्दन पकड़ ली। जब फिरियादी ने सैलून मालिक से पूछा यह व्यक्ति कौन है, यह कैसा व्यक्ति है, तो आरोपी ने गाली देते हुए कहा कि क्या तुम मुझे नहीं जानते, मैंने हत्या की है, मैं अभी अभी जेल से बाहर आया हूँ। उसी बीच फिरियादी को जान से मारने की नीयत से उसने चाकू से फिरियादी की गर्दन पर वार कर दिया, लेकिन जैसे ही फिरियादी पीछे झुका उसके कंधे पर चाकू लग गया और जब फिरियादी डरकर भाग गया तो आरोपियों ने उसका पीछा किया, जबकि फिरियादी एक घर में छिप गया। आरोपी के वहां से चले जाने के बाद फिरियादी ने यशोधरा नगर थाने में शिकायत दर्ज कराई। इस मामले में फिरियादी द्वारा दी गई शिकायत के अनुसार थाना यशोधरा नगर आरोपी के खिलाफ धारा 307 और 504 IPC के तहत मामला दर्ज किया है। जब आरोपी के रिकॉर्ड की जांच की गई तो पता चला कि उसके खिलाफ यशोधरा नगर थाने में हत्या और जबरन चोरी और डकैती के मामले दर्ज है। साथ ही सावनेर में जबरन चोरी और डकैती और कामटी में मारपीट कर जबरन चोरी के मामले भी दर्ज है। यशोधरा नगर पुलिस ने आरोपी की तलाश की और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, आगे की जाँच चल रही है। कल फिरियादी प्रवीण रक्टाटे, वो भी बिलगांव में रहता है, वो बिलगांव में सलून के दुकान में आया था। उस टाइम पे एक आरोपी शेख अल्फाज उर्फ औजाद जलील सूरज श्यामलाल कांबड़े, वो भी दुकान के सामने खड़ा था। उस टाइम पे उन्होंने बोला कि तू काय के लिए मेरी तरफ घूर के देख रहा है। उस टाइम पे उन्होंने खुद के पास का जो चाकू लाया था उन्होंने निकाला और फिरियादी के ऊपर घुमाया, लेकिन फिरियादी ने अपनी जान बचाने के लिए वो चाकू का वार बचाया और उधर से जान बचाने के लिए वो आगे दौड़ा। उसके पीछे पीछे ये आरोपी भी आया और फिरियादी जान बचाने के लिए एक के घर में घुसा। उस टाइम पे वो आरोपी उधर से भाग कर गया। जो आरोपी है वो 2022 का मर्डर किया था। उन्होंने वो बोला, फिरियादी को बोला था कि मैं मर्डर किया है, तेरा भी मर्डर करूँगा, ऐसा बोला था। उन्होंने जो चाकू निकाला था वो आरोपी के सर पर और छाती के पास मारने की कोशिश की, लेकिन फिरियादी ने वो चाकू का वार खुद की जान बचाने के लिए बचाया, सुरक्षा करने के लिए खुद की जान बचाने के लिए। वो आरोपी है तत्काल स्पॉट पे जाकर आरोपी को ताबे में लिया है, उसको अरेस्ट किया है। वो 2022 में उन्होंने मर्डर किया था, वही कारण है, रीज़न है घूर के देखने का। और उन्होंने बोला था मैंने मर्डर किया है, आपका भी मर्डर कर दूंगा। इन BCN न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ मनीष टेमरे की रिपोर्ट।